साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। हम बात कर रहे थे एयरफोर्स नेवी एनडीए एग्जाम के लिए, जो अपना मिशन 2020 है उसके लिए हमने फिजिक्स का वेक्टर पार्ट स्टार्ट किया था। अभी तक हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, बाद में ही ये पार्ट आपके समझ में आ पाएगा। हमने वहां पर वेक्टर के बेसिक्स और स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के बारे में अभी तक चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है डाउटनेट ऐप में। अब आपको डाउटनेट ऐप में के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप उसका फोटो क्लिक कीजिए या उनको व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउटनेट ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बस केवल फोटो क्लिक करके उसमें वीडियो उसपे जो तो अपना क्वेश्चन है उसको अपलोड करना है। आपको हाथों हाथ उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके पास टीचर अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण कई बार आपको परेशानी आती है, इसलिए ये डाउटनेट ऐप आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस वीडियो का स्पॉन्सर है ये। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। हम बात करेंगे सदिश के ऊपर जो संक्रियाएं होती हैं। संक्रिया से तात्पर्य क्या है, देखिए समझिए। इनको इंग्लिश में कहते हैं हम ऑपरेशन, यानी सदिश के हम ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं सदिशों के योग के बारे में। सदिशों के योग के बारे में हम समझते हैं कि पहली बात, मान लीजिए एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है, तो इन दोनों का योग और घटाव कभी भी संभव नहीं हो सकता। पहले इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर हमें योग और घटाव करना है तो हमें दो सदिशों की आवश्यकता होगी। मैंने क्या किया, दो सदिश मान लिए, ए वेक्टर मान लिया एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के, और बी वेक्टर मान लिया एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के प्लस जेड टू के। मैंने दो सदिश मान लिए। अब मैंने इन दोनों का योग कर दिया, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दिया, तो क्या होगा, आई केप वाले के साथ आई केप वाला जुड़ जाएगा, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू और आई केप कॉमन आ गया तो आई केप बन गया। आगे ये बन गया वाई वन प्लस वाई टू, आगे आ गया जे केप कॉमन आ गया, प्लस जेड वन प्लस जेड टू और साथ में आ गया अपना के केप। ये होता है सदिशों का योग, यानी दो सदिशों को अगर हमें जोड़ना हो तो उनके जो घटक होते हैं उनको जोड़ देते हैं, आई केप जे केप और के केप के जो घटक हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। अब हम इनके कुछ गुणधर्मों की बात करते हैं सदिश योग के। सबसे पहला गुणधर्म होता है वो होता है संवृत गुणधर्म। संवृत गुणधर्म के बारे में हम पहले समझते हैं कि संवृत गुणधर्म होता क्या है। जैसे मान लिया अपने पास दो समुच्चय के कोई भी अवयव हैं, उन दोनों पर हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया, जैसे योग किया, घटाव किया, गुणा किया, भाग किया, यदि उसी समुच्चय का कोई अवयव हमें मिल जाता है तो हम उसे संवृत गुणधर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लेता हूं मैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में से कोई भी दो प्राकृत संख्याएं उठा लो, दो और पांच उठा ली, मैंने जब इनका योग किया तो सात आया, यह भी एक प्राकृत संख्या है, तो मतलब ये जो योग प्रक्रिया है प्राकृत संख्याओं के लिए ये संवृत गुणधर्म की पालना करती है। अब हम समझते हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दो हैं, जो वेक्टर जो एक समुच्चय है, वेक्टर एक समुच्चय है, उसके दो अवयव है ए वेक्टर और बी वेक्टर। जब हमने इनका योग किया तो हमने देखा कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, यानी जो ये सदिश योग है ये संवृत गुणधर्म की पालना करता है। दूसरी बात, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता से तात्पर्य क्या है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं पहले, जैसे दो और पांच को जोड़ो या पांच और दो को जोड़ो, आंसर सेम आता है, तो क्रम विनिमेयता नियम भी यही कहता है कि ए प्लस बी होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर जोड़े या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को जोड़े तो दोनों इक्वल होते हैं, यानी सदिश योग होता है वो क्रम विनिमेयता नियम की भी पालना करता है। तीन नंबर गुणधर्म होता है सहचार्यता। सहचार्यता समझते हैं, जैसे क्या है, इसमें कहा गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, यहां पर यहां ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका तात्पर्य है कि पहले ए और बी को जोड़ो फिर जो आंसर आए उसको सी के साथ जोड़ो, या फिर ऐसे कर सकते हैं अपन बी और सी को पहले जोड़ लिया फिर ए के साथ जोड़ा तो ये दोनों जो चीजें आएंगी वो इक्वल आएंगी, यानी जो सदिश योग है वो सहचार्यता नियम की भी पालना करेगा। आगे तत्समकता। तत्समकता क्या होती है, देखिए समझिए, मैंने क्या किया, कोई भी एक अवयव ले लिया कोई भी समुच्चय का, उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो उस समुच्चय का ही कोई एक ऐसा अवयव देखो जिसमें वह संख्या जोड़ने पर वह संख्या खुद आ जाए, जैसे पांच है, पांच के अंदर मैंने जीरो जोड़ा तो वापस पांच आ गया, तो योग का जो तत्समक है वो जीरो है। गुणा संक्रिया देखिए, गुणा संक्रिया के अंदर मैं पांच को एक से गुणा करूं तो वापस पांच आएगा, तो गुणा का जो तत्समक होगा वो एक हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम सदिश के लिए देखें तो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, ध्यान रखना यहां पर जीरो वेक्टर है, ये सीधा जीरो नहीं है, मैं जीरो वेक्टर जोड़ दो या जीरो वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा ए वेक्टर, और जीरो वेक्टर यहां पर क्या कहलाता है, योग का, सदिश योग का तत्समक कहलाता है। अगली हम देखते हैं प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम होता है एक ऐसा अवयव ढूंढो जिसको उसके अवयव के साथ ऑपरेट करने पर वहां का तत्समक मिल जाए, जैसे अपना योग का तत्समक है वो जीरो वेक्टर है, मैंने ए वेक्टर एक सदिश ले लिया उसको माइनस ए वेक्टर के साथ अगर ऑपरेट करूंगा तो इसका जो जीरो वेक्टर है आंसर आ जाएगा, तो यह इसका प्रतिलोम कहलाता है, इसको हम विपरीत सदिश भी कहते हैं। सदिश योग का जो प्रतिलोम होता है वह उसका विपरीत सदिश ही होता है।
चलिए हम बात करते हैं सदिशों के घटाव या अंतर के बारे में। मैंने क्या किया, दो सदिश ले लिए, ए वेक्टर एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के कैप, और बी वेक्टर ले लिया एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के और जेड टू के कैप। अब मैं यदि इन दोनों का घटाव करता हूँ, या सॉरी माइनस आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करता हूँ, तो क्या करेंगे, वही जोड़ वाली प्रक्रिया है, आई के वाले में से आई के वाला, जे के वाले में से जे के वाला, और के वाले से के वाला घटक घटा देते हैं। तो एक्स वन माइनस एक्स टू आई के आ जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू जे के आ जाएगा, जेड वन माइनस जेड टू के आ जाएगा। अगर हम इसके गुणधर्मों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं संवृत गुणधर्म की। तो देखिए मैंने दो सदिशों का घटाव किया तो वापस से एक सदिश आ रहा है, तो यानी यह संवृत गुणधर्म की पालना कर रहा है। दूसरी बात अगर हम करें क्रम विनिमेयता नियम की, तो देखिए क्रम विनिमेयता क्या होता है, ए में से बी घटाओ या बी में से ए घटाओ, दोनों इक्वल आने चाहिए, लेकिन यहां पर अगर हम देखें एक्स वन माइनस एक्स टू करें और एक्स टू माइनस एक्स वन करें, तो ये दोनों डज नॉट इक्वल टू आएंगे, यानी जो सदिशों का घटाव होता है वो क्रम विनिमेयता नियम की पालना नहीं करता है। इसी प्रकार अगर मैं सहचार्यता की बात करूं, ए में से बी घटाओ, माइनस कर दिया सी, पहले ए माइनस बी को सोल्व किया फिर सी घटाया, दूसरी बात ए पहले बी माइनस सी को सोल्व किया और फिर उसमें ए में से घटाया, तो अगर हम इसे देखें तो ये इक्वल नहीं आएंगे, यानी सदिशों का घटाव है वो सहचार्यता नियम की भी पालना नहीं करता। तत्समकता, देखिए तत्समकता तभी लागू होती है जब क्रम विनिमेयता नियम की पालना हो, सीधी सी बात हमेशा ध्यान रखना, तत्समकता तभी लागू होगी जब क्रम विनिमेयता नियम की पालना हो, यहां पर क्रम विनिमेयता नियम की पालना ही नहीं होती तो यहां पर तत्समकता नियम भी लागू नहीं होगा, और जब तत्समक ही नहीं होगा तो उसका प्रतिलोम ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। ये होता है अपना सदिशों का घटाव, ये दोनों बहुत ही ईजी होते हैं, सदिशों का योग और सदिशों का घटाव। अब हम बात करेंगे सदिशों के गुणा के बारे में, सदिशों के गुणा के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगर हम आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं इसी प्रकार से डेली आपके लिए कोशिश करूंगा कि एक वीडियो तो जरूर अपलोड कर पाऊं। तो अभी तक हमने सदिशों की जो संक्रियाएं हैं, योग और घटाव, उनके बारे में पढ़ लिया है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा सदिशों के गुणा के बारे में। सदिशों का गुणा होता है वो दो प्रकार का होता है, अदिश गुणन और सदिश गुणन। हम इसको एक पूरे वीडियो के सेपरेट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूं तो इस टॉपिक को यहां भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं यहां नहीं करवा रहा क्योंकि उसमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये एक बेसिक चीज होती है संयोग और घटाव, तो इनको पढ़ पाना है बहुत इजी है, लेकिन जो गुणा होता है उसको थोड़ा सा डीपली हम पढ़ेंगे, तो उसका हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह वीडियो चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए।